थोड़ा रैंडम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपना हिस्ट्री पैनल एंड हिस्ट्री प्रोडक्शन फोटोशॉप। और इसकी वर्किंग मोस्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को इसका पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ प्रोसेस क्या होती है। तो मैं अपनी लाइफ प्रैक्टिस में इस टूल को बहुत यूजफुल के मैंने 0.1% भी इस टूल को यूज नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती, लेकिन मोस्टली जगह पे ये पढ़ भी नहीं। इसका काम होता है कि आपने जितना भी हिस्ट्री में काम किया होता है वो आप कुछ और कर रहा होता है, आप किसी टाइम इसको हिस्ट्री में जाके यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ब्रशेज की, तो आपको ब्रशेज के नीचे ही आपको यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश पैनल मिल जाता है। अगर आप कोई आर्ट ही ब्रश कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री ब्रश मिल जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर इस हिस्ट्री में मैंने कौन सा ब्रश यूज किया था, मैंने जैसे हिस्ट्री ब्रश पे क्लिक किया, और अगर मैं ब्रशेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा इस टाइम ब्रश ये सिलेक्ट है, लेकिन मैंने हिस्ट्री में ब्रश कौन सा यूज किया, हिस्ट्री ब्रश सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है वो इस ब्रश का उसने एग्जाम्पल हमने दे दी। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री ब्रश में हमने इसकी वर्किंग की है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं ब्रश में जाके, मैंने कुछ रफली सी ही ब्रश को यूज किया है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपनी विंडोज की सेटिंग में, विंडोज में जाके यहाँ हिस्ट्री में क्लिक करता हूँ, तो हिस्ट्री के अंदर मेरे पास हिस्ट्री ब्रशेज यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये मुझे बता रहा है कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरी उस लेवल की हिस्ट्री वहाँ पर मैं आ रही है। मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी हिस्ट्री ब्रश इस टाइम मैंने ब्रशेज है वो ऐड हो चुकी है। मैं डिलीट करनी है, मैं यहाँ से अपनी हिस्ट्री की ब्रशेज को डिलीट भी कर सकता हूँ, हिस्ट्री को भी हमने ये वर्किंग अपने की है। कंट्रोल सी के अंदर हमें ये हेल्प करती है कि आपके पास बहुत आगे चले गए हैं और आपने आना है बिल्कुल एंड पे वापस। आगे करेंगे अपने चेक लगाई देंगे यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये आपके पास से पहले हिस्ट्री जो अप्लाई होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो ये हमारा काम है, अगर हम लोग इसको रीड वन टू की कमांड ना यूज करें तो हम हिस्ट्री ब्रश को यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग उसको यूज करते हैं। हमने जो जो भी अपनी अप्लाई किया है, कॉर्नर ट्रैक किए हैं, पाथ ट्रैक किए, एंकर पॉइंट लाइन किया, वो ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी फाइल में अभी तक वर्क किया उसकी सारी की सारी हिस्ट्री का कर सकता है। या उसको आप अपने इसको क्रिएट एंड न्यू स्नैप भी इसको कैप्चर कर सकते हैं, न्यू हिस्ट्री के तौर पर उसको करंट स्टेटमेंट यहाँ से दे सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी हिस्ट्री को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने अपना ब्रश को वर्क किया था, हिस्ट्री ब्रश को, वो यहाँ से उसने इसको ट्रीट किया। तो मैं जैसे जैसे अपनी हिस्ट्री ब्रश को यहाँ से ट्रीट कर ही जा रहा हूँ, मेरा जो अपना ओरिजिनल आर्ट वर्क है वो वापस आना शुरू हो गया। और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर आता हूँ, ये सारे के सारे मेरे हाइड अनएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा काम हिस्ट्री ब्रश पैनल का। हमें किसी भी चीज की हिस्ट्री देखनी अपने आर्ट वर्क की, वो हमारी हिस्ट्री का पैनल अवेलेबल है, वहां जाके देख सकते हैं। और उसके अंदर ब्रश की हिस्ट्री भी अवेलेबल होगी, वर्कआउट की हिस्ट्री अवेलेबल होगी। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो हम लोग ये जो पैनल है इसको बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन हमें ये कहीं पर इसकी 1% में भी कहीं कहीं यूज आ जाती है। हर बंदे के अपने हिसाब से यूज है। मैंने बताया कि टूल्स बहुत सारे हैं, डिजाइनिंग के टूल्स बहुत सारे हैं, मैंने आपको सारे टूल कवर करवा दी, तो आप हर फील्ड में अपने आपको काम करने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन हर फील्ड के हिसाब से टूल, आप किसी फील्ड में दो तीन टूल यूज करते हैं, कहीं पर आपको ये टूल्स यूज कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर यही है, वर्किंग यही है, हर चीज यही है, जस्ट आपके टूल्स की प्रैक्टिकल्स में वर्किंग है। तो कुछ लोग यहाँ से अपनी इस चीज को मेंटेन करके कुछ इसको शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, कुछ वहां से रीड्यू अनडू कर रहे होते हैं, या अपने कुछ लोग लेयर पैनल पे इतने एडजस्टमेंट कर लेते हैं आप उसको अनहाइड और हाइड करके लेयर से वर्किंग कर सकते हैं। तो सारी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।